महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वजह है शिवसेना के दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत। बगावत का झंडा बुलंद करने वाले शिंदे अकेले नहीं हैं। उन्होंने 26 विधायकों के नाम जारी किए हैं और कहा है कि ये आंकड़ा 30 तक पहुंच सकता है। शिंदे ने अपने समर्थित विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में डेरा डाल रखा है। शिंदे ने अपनी शर्तों के साथ 3 विधायकों को मातोश्री भेजा है। इस बीच एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि हम बाला साहेब के पक्के शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। सत्ता के लिए हम कभी भी धोखा नहीं दिया है और ना ही कभी देंगे। वहीं दूसरी तरफ बगावत की खबर सामने आते ही सीएम उद्धव ठाकरे एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने आपात बैठक बुलाई है। शरद पवार भी सामने आए। उन्होंने कहा है कि पहले भी सरकार गिराने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार चलती रहेगी। 4 बजे शिवसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि उद्धव की बैठक में 55 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे। मामला मुश्किल में पहुंचता नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार? बिहार की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है और इंफॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चला है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर संकट छाया हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से नीलाशीष राय जुड़ चुके हैं। नीलाशीष, बताएं कि दिल्ली में कैसी है हलचल, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बीजेपी को इसके लिए? जी बिल्कुल, काफ़ी हलचल हो रखी है दिल्ली में सुबह से। हालांकि ये भी आपको बता दें कि 2 बड़ी मीटिंगें आज होनी है, एक ऑपोजिशन पार्टी की राष्ट्रपति के दावेदार को चुनने के लिए, दूसरी बीजेपी की भी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होगी जहां वो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर दावेदार की बात के बारे में सोच विचार करेंगे। इसी दौरान जब ये हलचल मची कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ देखने मिल रहा है, तब अमित शाह पहुंचे, केंद्रीय जो गृह मंत्री है वो पहुंचे जेपी नड्डा के घर। जेपी नड्डा के घर थोड़ी देर बैठक हुई उनकी और वहां से वो गए वेंकैया नायडू जी के यहाँ। अब इसी दौरान खबर आती है कि शरद पवार जी जो है, जो एनसीपी के प्रमुख है, उनका कहना है कि सरकार को महाराष्ट्र में तोड़ने की, गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जो महाविकास आघाड़ी की गठबंधन है वो मजबूत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शिवसेना की अगर बात की जाए तो उनको भी आज पहुंचना था इस ऑपोजिशन मीटिंग में, राष्ट्रपति के दावेदार को तय करने की जो मीटिंग है उसमें, लेकिन खबर ये आ रही है अब कि शिवसेना इस मीटिंग में अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगी। लेकिन शरद पवार जी का कहना था कि जो ये आज की मीटिंग है उसके बाद एनसीपी के विधायकों से वो बैठक करेंगे महाराष्ट्र में, और जब तक उनसे शिवसेना कुछ ना कहे वो इन बारे में कुछ बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये तीसरी बार है जब गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पर सब कुशल मंगल है, शिवसेना की निजी मामला है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच का मामला है, और वो अपने आप तय करे कि क्या सही है क्या गलत, गठबंधन सुरक्षित है। अब कांग्रेस की भी बात करें, क्योंकि वो भी तीसरा मेंबर है इस गठबंधन का, तो एचके पाटिल जो है महाराष्ट्र के प्रभावी जो है कांग्रेस के, वो भी जा चुके हैं दिल्ली से महाराष्ट्र, और वो कांग्रेस विधायकों और सचिवों से बैठक करेंगे करीब 5:30 बजे। तो पूरा अगर देखा जाए तो ये जो सिचुएशन है इसको एकदम कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि गड़बड़ थी। अब कितना आगे बढ़ता है ये मामला, क्या कोई मुठभेड़ की बात होती है, आगे कुछ दिखता है, ये देखना जरूरी है। थैंक यू नीलाशीष ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं मुंबई से हमारे सहयोगी संदीप सिंह। संदीप बताएं कि क्या है सरगर्मियां, 4 बजे शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार बनी रहेगी या फिर गिर जाएगी, कैसे आसार नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल? शिवसेना मनाने की कोशिश कर रही है, शिवसेना को लग रहा है कि देखिए संकट के बादल जो हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार पे जो है वो निश्चित रूप से मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से 25 से 30 ऐसे विधायक जो हैं वो उनके उपस्थिति सूरत में है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो संकट मंडरा रहा है ना केवल महाविकास आघाड़ी के ऊपर बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऊपर भी ये संकट बना हुआ है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि 25 से 30 विधायक जो है वो गुजरात में है, सूरत में है, और इस ये पिछले 2.5 सालों से जो कहीं ना कहीं जो कड़वे घूंट ये कहें कि एकनाथ शिंदे पी रहे थे, और यही कारण है कि उन्होंने आज बगावती सुर जो है वो छेड़ दिए हैं, और यही कारण है कि तमाम जो शिवसैनिक हैं जो शिवसेना के स्टैंड से जो है वो खुश नहीं थे, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो प्रो सेक्युलरिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का मुद्दा हो, तो इन तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के पार्टी में जो है वो नाराजगी थी, और यही कारण है कि आज एकनाथ शिंदे और करीब करीब आधी शिवसेना जो है वो सूरत के ले मेरेडियन होटल में बैठी हुई है। 4 बजे शिवसेना की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की बात की जा रही थी, इस पर आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, जब भी ऐसा एंटी शिवसैनिक का माहौल बनता है या एंटी गवर्नमेंट या एंटी एमवीए माहौल बनता है तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारा जाता है। यही कारण है कि आज भी जो है शक्ति प्रदर्शन इस आंदोलन का नाम दिया गया है, और शक्ति प्रदर्शन कहा गया है कि शक्ति प्रदर्शन करेगी शिवसेना, तो शिवसेना भवन पर जो है वो तमाम शिवसैनिकों को उतारा जाएगा। कई शिवसैनिक सड़कों पर उतरेंगे और उद्धव ठाकरे के समर्थन में जो है वो आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मीडिया में एक छवि निर्माण होती है कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के प्रति सहानुभूति, जानकारी शेयर करने के लिए अब हमें रुख करना होगा अगली खबर का। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। उद्धव ठाकरे ने विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें 20 विधायक ही पहुंचे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि शिवसेना के पास 55 विधायकों की संख्या है जिसमें से सिर्फ 20 विधायक अभी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। इसे देखकर लगता है कि उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी एक्शन में है लेकिन शिवसेना हार मानने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार को भी भरोसा है कि शिवसेना की आक्रामक रणनीति से सरकार बच जाएगी, लेकिन क्या सच में उद्धव ठाकरे सरकार बच पाएगी? संजय राउत को पूरा भरोसा है लेकिन कांग्रेस हालात देखकर ही पत्ते खोलने के मूड में है। मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो संजय राउत जी है थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर, नहीं चलो आम्ही मराठी म्हणतो अंगावर जाण्याची आवश्यकता नाही। ठीक है, मैं किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी हाँ, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के सही जगह पे हम इसकी चर्चा करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो, क्योंकि पब्लिक में बात करने की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या फिर देवेंद्र फडणवीस कोई चमत्कार करेंगे, महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी केतन, जो कि करीबी नजर रखते रहे इस पूरे मुद्दे पर। केतन जी बताएं कि क्या लगता है आपको, बच जाएगी महाराष्ट्र सरकार, कोई चमत्कार होगा या फिर गिरना तय लग रहा है अभी के हालात देखते हुए?
सुबह से जो सारा घटनाक्रम है वो इतना नाटकीय रहा है, पल पल में बदलता आ रहा है, तो इसके दो पहलू या दो बिंदुओं पे गौर फरमाना होगा कि एक जो दिख रहा है और जो पीछे घट रहा है, और उसमें अलग अलग है, मतलब उसमें भेद करना ज़रूरी है कि हमें क्या दिख रहा है। हमें ये दिख रहा है कि सुबह से लगभग 20-22 ऐसी संख्या बताई जा रही है कि सेना के जो विधायक है और साथ में कुछ निर्दलीय विधायक भी बताए जा रहे हैं, जो सूरत के ल मरिडियन में शिवसेना के बागी तेवर वाले मंत्री एकनाथ शिंदे उनके साथ है, और ऐसा माना जा रहा है कि उनके वहाँ जाने से सरकार खतरे में आ सकती है। लेकिन अगर दो बिंदुओं पर हम गौर फरमाएं, एक जो एकनाथ शिंदे ने खुद लगभग एक घंटे पहले ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि धोखा देना हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमने बाला साहब से नहीं सीखा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या वो वापस आएंगे, क्या उद्धव ठाकरे के साथ उनके कुछ मतभेद है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि धोखा देना ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये उन्होंने साफ कहा है। दूसरी बात, अगर शरद पवार की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो शरद पवार जी ने तो कहा कि वो एकदम निश्चिंत रहे, और उन्होंने कहा कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और ऐसे धक्के जो है वो पिछले 2.5 साल में 3 बार आ चुके हैं, तो उन्होंने भी निश्चिंत दिखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम रिलैक्स थी। वो ज़्यादा गौर फरमा रहे थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बैठक हुई है उस पर वो ज़्यादा गौर कर रहे थे, बशर्ते आज के जो घटनाक्रम है उस पर। तो कुल मिला के इन दो चीज़ों पर नज़र रखना बहुत अहम है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अभी तक एकनाथ शिंदे सामने नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी बागी तेवर जताए ज़रूर है, लेकिन वो किस बात को लेकर नाराज़ है। बताया जा रहा है कि उनका कद पार्टी के भीतर कम हुआ था, उनको ये डर लग रहा था कि उनकी ज़्यादा सुनी नहीं जा रही थी पार्टी में, लेकिन ये सब कही सुनी वाली बातें हैं। खुद आकर एकनाथ शिंदे ने सामने आकर कुछ इस बारे में कहा नहीं है। अभी इसमें दो चीज़ें घटनाक्रम हो सकती है, ये जो बताया जा रहा है कि उन्होंने बात हिंदुत्व की है, तो क्या ये हिंदुत्व जो सेना कहती है कि जो बीजेपी का हिंदुत्व ऐसे उद्धव ठाकरे कहते आ रहे कि ये दिखाऊ हिंदुत्व है और हमारा असली वाला हिंदुत्व है, तो क्या इस पे कहीं पर मीटिंग ग्राउंड हो सकता है और शिवसेना दोबारा बीजेपी के साथ जाए और बागी तेवर जो है वो एकदम नरम पड़ जाए, तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर इस बागी गुट को मान्यता मिलती है तो दल बदल कानून ये कहता है कि 2/3 विधायक जब तक आपके पास नहीं है तो आप अलग फॉर्मेशन आप जो है वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपको असेंबली में एक गुट के तौर पर मान्यता मिल सकती है, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब कुल मिलाकर जादुई आंकड़ा जो महाराष्ट्र विधानसभा में है वो 144 का है, 228 कुल विधायक है, 144 जादुई आंकड़ा है। जादुई आंकड़ा घट के अगर कम हो जाता है तो फिर बीजेपी अपना दावा ठोक सकती है और फिर ये कह सकती है कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। तो ये दूसरी संभावना है, फिलहाल इन दोनों संभावनाओं को ही हमें टटोलना होगा। थैंक यू केतन, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस खबर पर आप नज़र बनाए रखिएगा। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, तो इसीलिए सारी संभावनाएं खुली रखनी पड़ेंगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना ही तो बगावत नहीं है और ना ही इस तरह के सियासी दांव पेच रुक कर